I am Saeed Sheikh, and with me, Dr. Mubarak Ashraf, online. Assalamu alaikum, Dr. Sabah. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Dr. Sabah, a question aaya hai hamare views ki taraf se. Main apne views se kehta hu ki aap apne jo bhi health related hai, ek question zarur bheje, wo bhejte rahe, to hum aapke aise chote chote session mein aapke question ko pick up karenge aur aapki baat ka jawab denge. Aur वैसे ये बातें छोटी सी बात पूछने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि फीस देते हैं, कितना टाइम लगता है, यही मशवरे आपको आपके घर बैठे आपको मिल जाते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुबारक सबा, जब भी आपसे रिक्वेस्ट होती है आप आ जाती हैं हमारे व्यूज के क्वेश्चन के जवाब में. अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो क्वेश्चन था वो उन्होंने पूछा कि गले में बार बार जो बलगम आती है, और क्या ये बार बार आती है, क्या ये किसी बीमारी के निशाने तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है इसमें, या परेशान होने की जरूरत है, ये क्या क्या ओवर टू यू डॉक्टर साहब. जी, इसको जैसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, जैसे केरा गिरना, लोग इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं पेशेंट. उसमें एक कि आपको बार बार ऐसे फील होता है कि आपके नेजल म्यूकोजा से, यानी कि नाक से पीछे गले की तरफ कुछ सिक्रेशन ट्रिकल करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार बुरा मारना या गला साफ करना पड़ता है. और बहुत से लोग बहुत ऊंचा ऊंचा अपने गले को साफ करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग. तो जो बहुत ज्यादा प्रेशर है वो आपको नहीं लगाना, आपने वो देखना है कि वो सारा कुछ हो क्यों रहा है. इसकी रीजन ये होती है कि एक तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, बहुत से लोगों को कुछ सीजनल एलर्जीज होती हैं, उसमें वो कुछ टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम उनको ज्यादा हो जाती है. इसकी वजह वाइटामिन डी की कमी भी हो सकती है, एलर्जीज भी हो सकती हैं. आप ये देखें कि किस चीज से आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है. दूसरा ये कि लोगों को एजमा होता है, एजमा की भी अर्ली साइन इसी तरह होते हैं कि पेशेंट को पीछे पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, उसके बाद ब्रोंकोस्पैज्म, यानी कि लगता है कि सांस घुट घुट के आ रहा है, फिर वीजिंग शुरू हो जाती है, जैसे सीटी की आवाज का आना. दूसरा होता है साइनसाइटिस. हमारे साइनसेस जो होते हैं, एक हमारे माथे के इस एरिए में होता है, एक यहाँ पे होता है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको साइनसाइटिस कहा जाता है, उसमें भी थोड़ी सी पफी आईज होती हैं और नाक का बंद रहना, पोस्ट नेजल ड्रिप का होना. अब यहाँ जो साइनसेस की बोन होती है ना, वो एक सॉलिड बोन नहीं होती है, इसलिए उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की होती है. इट्स लाइक हनी कॉम, जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, उसमें एक सॉलिड नहीं होता वो, तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी सॉलिड नहीं जाती, इसलिए अगर कोई इसमें इन्फेक्शन हो जाती है तो बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं जो यहाँ नहीं पहुंचती हैं, या वेरी फ्यू एंटीबायोटिक जो कि साइनसाइटिस में ट्रीट करती हैं. तो आपने इसमें अपना एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं, आप अपना गुड विटामिन डी इवैल्यूएशन है, एनीमिया है, कि आप में रेजिस्टेंस की कमी भी आपको प्रोन करती है इस किस्म की इन्फेक्शन से. और अगर पोस्ट नेजल ड्रिप है तो उसमें आपने एंटी एलर्जिक लेना है, अर्ली डिनर कर लेना है, लेट नाइट कुछ खाने हैं जो कि आपकी सिक्रीशंस को इंक्रीज करते हैं, जैसे केला है, अंडा है. अच्छा, लेट नाइट खाने कुछ हैं जो कि सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं. जी, फॉर एग्जांपल शाम 6 बजे के बाद जिनको एलर्जीज हैं या एजमा है या पोस्ट नेजल ड्रिप है, उनको चाहिए कि तो वो अर्ली डिनर करें. 6 बजे के बाद केला, केला अंडा, चीज जैसे पिज्जा वगैरह में होती है, चिकने चावल जिसमें आपका पुलाव है, बिरयानी है, बघारे चावल है, या पराठा वगैरह, सिंपल बॉयल राइस ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, जिसे ऑयली स्टफ अवॉइड करें. एंड मेक श्योर कि आप दांत ब्रश करके अच्छी तरह से साफ करके, ओरल हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सब नमक के गरारे कर लें. मतलब ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस इसके साथ करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो एलर्जीज होती है मोस्ट प्रोबेबली लाइफ लॉन्ग ही होती हैं, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे होती ही रहती है. तो मतलब ये जो उन्होंने कहा है कि सवाल किया कि कहीं बीमारी की निशानी तो नहीं है, तो मतलब इसका जवाब तो सिंपल आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि ये डेफिनेटली एक इश्यू तो है, इसको डायग्नोज भी करना चाहिए, लेकिन अगर पहले अपने घरेलू तौर पर एहतियात करके देखें इन चीजों पर, अगर इस पे इफेक्ट पॉजिटिव होता है तो गुड थिंग. जी जी, पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से नाक बंद हो सकता है, राइनाइटिस उनको हो सकता है, तो उन चीजें जिन चीजों की वजह से ये होता है उसको ट्रीट करें, एंटी एलर्जिक लें.
कुछ लोगों का अंदर नाक के अंदर एक अदूद भी बढ़ जाता है जिसको एडिनॉइड्स भी कहते हैं, उसकी कॉटरी भी करनी होती है। तो आइडिया ये कि खुद अपनी तरफ से डायग्नोसिस पे ना जाए, ना पहले जाए। थोड़ा सा पेनाडोल ले ली, एंटी एलर्जिक ले ली, स्टीम इनहेलेशन ले ली, बट अगर वो चीज परसिस्ट कर रही है तो गेट योर ब्लड टेस्ट डन एंड कंसल्ट योर कंसल्ट कैंटी के योर डॉक्टर। डॉक्टर, अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, कंसल्ट योर डॉक्टर। और लेकिन पहले ये जो थोड़ी सी छोटा सा हमने काफी तदाबीर बताई है, वो छोटे मोटे हेल्थ टिप्स बताए हैं, डाइट टिप्स बताए हैं, प्रोटीन में इसको चेंज, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई अगर आपकी चीज बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है। अगर सिवियर है तो राइट अवे डेली डोज, राइट अवे डेली लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट है तो यू कैन हेल्प स्टार्ट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे शो में आने का, हमारे व्यूज के क्वेश्चन के जवाब देने का, बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम।